पश्चिम बंगाल के हुगली में फिर हुई हिंसा। जी हां, हुगली से खबर है। हुगली के रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी की वारदात सामने आई है। कई घंटों तक रेलवे का परिचालन रहा बाधित। तनाव के बीच आज पूर्वी मिदनापुर में ममता बनर्जी की रैली। पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान कई जगहों पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हुगली के रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी की वारदात हुई, जिसके बाद घंटों तक रेलवे का परिचालन बाधित रहा। इस बीच हुगली समेत राज्य भर में तनाव के बीच पुलिस हाई अलर्ट पर है। कई इलाकों में धारा 144 लागू है, जबकि हिंसा के बाद कई जगहों पर अभी भी दुकानें बंद है। हिंसा को लेकर सियासी वॉर पलटवार के बीच आज सीएम ममता बनर्जी पूर्वी मिदनापुर में बड़ी रैली करने वाली है। ममता की रैली को शुभेंदु अधिकारी की कल पश्चिम मिदनापुर में की गई रैली का जवाब माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने इस रैली को नो वोट टू ममता लिखी टी शर्ट पहनी और कहा कि राज्य में सभी घोटालों के लिए सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार हैं। वहीं हिंसा प्रभावित हुगली में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजमूदार ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता हिंसा का विरोध जारी रखेंगे। इस बीच रामनवमी पर राज्यों में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संगठन ने याचिका दाखिल कर हिंसा में घायल लोगों को मुआवजा देने की मांग की है।